वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कुछ दिन पहले कि हम एरा स्क्रिम्स करवाने वाले हैं अंडर रेटेड प्लेयर्स के टैलेंट को ऊपर ले जाने के लिए, एंड स्क्रिम्स करवाने के साथ हमने अपॉर्चुनिटी रखी है आगे जाने की। तो हमारी स्क्रिम्स अच्छा खासा चल रही है, तो हमारे एक दिन में 2 स्क्रिम्स होते हैं, एंड जो टीम्स ये स्क्रिम्स जीतेगी उनको मौका दिया जाएगा आगे T2 खेलने का। एंड इवन अगर वो टीम T2 भी जीत जाती है तो उस टीम को मौका मिलेगा T1 में पार्ट बनने का एंड बैटल करने का टॉप टीम्स के अगेंस्ट, जैसे TSM एंटिटी, नोवा गॉडल वैम्प, टीम एल्प्स और बाकी सभी टॉप टीम्स के नाम आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं घातक के साथ। तो रिसेंटली घातक ने स्ट्रीमिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स दिए एंड ये कहा कि वो अपने टॉक्सिक कमेंट को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे एंड मेक श्योर रखेंगे कि स्ट्रीम कम्प्लीटली फ्रेंडली हो। अब बात कर लेते हैं लेक्सटम के बारे में। तो आर्टेमिस एंड जोकर ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि उन्होंने लेक्सटम ईस्पोर्ट्स लीव कर दिया है एंड आगे की जर्नी के रिगार्डिंग जो अपडेट्स होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं 8-bit मैक्वीन के बारे में। तो रिसेंटली 8-bit मैक्वीन से शॉर्ट इंस्टा क्यू एन ए में पूछा गया कि क्या वो और रेवन SATL गेमिंग हाउस में देखने को मिल सकती हैं, एंड उन्होंने ये बताया कि जब ये पैंडेमिक ओवर होता है तो वो कहीं भी जा सकती हैं। एंड ऑल्सो जब उनसे फेवरेट प्लेयर के बारे में पूछा गया तो इट वॉज नन अदर देन TSM एंटिटी जोनाथन। टॉकिंग अबाउट हेटफुल कमेंट्स, मैक्सटन ने ये पोस्ट किया कि काश हेटर्स भी फीलिंग्स को समझ सकते। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट के रिसेंट लाइव में काफी लोग एंड में बोर्ड फील कर रहे थे, जिसके चलते स्काउट ने ये कहा कि वो गेम स्विच करके खेला करेंगे एंड वैरायटी कंटेंट लेकर के आएंगे ताकि सेम गेम की वजह से बोरियत ना हो। और सो स्काउट ने अलर्ट किया कोविड के अगेंस्ट एंड मे बी शायद वो इसके रिगार्डिंग सेपरेटली बात करने वाले हैं ताकि एक अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। ऑल्सो गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था बट रिमाइंडर कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड सेट हुआ है 75,000 केसेस इन अ डे, इसलिए यार घर पर ही सब सेफ रहना। अब बात कर लेते हैं दलजीत के बारे में। तो रिसेंटली दलजीत INDY ज्वाइन करेंगे या सोल, इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग कल जब लाइव में ऑडियंस INDY दलजीत टाइप कर रही थी तो दलजीत ने ये बताया कि जहां आप सोच रहे हो वहां मैं नहीं जाने वाला। तो फिर ऑडियंस गेस करती है कि शायद दलजीत सोल में जाएंगे, बट अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मॉर्टल ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जब तक वो ईस्पोर्ट्स में तब तक कोई न्यू मेंबर सोल में नहीं आएगा। और अगर आप फॉलो या नहीं करते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो फॉर डेली गेमर्स न्यूज एंड अपडेट्स और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो। बाकी आपको क्या लगता है, दलजीत अगर INDY सोल में नहीं जाएंगे तो कहां जाने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर के बारे में। तो रिसेंटली जैसे कि मैंने बताया था कि फ्री फायर में न्यू कैरेक्टर ऋतिक रोशन एस जय आने वाले हैं एंड अगेन विद अ सरप्राइज, फ्री फायर का कोलैबोरेशन नजर आने वाला है मनी हाइस्ट के साथ 6 डेज काउंटडाउन एंड 6 सितंबर को ये देखने को मिलेगा, जैसे कि पोस्टर में लिखा है प्लान बरमूडा स्टार्ट्स ऑन 6 सितंबर। एंड इस अनाउंसमेंट के बाद फ्री फायर के डाउनलोड्स और भी ज्यादा हाई नजर आए ग्राफ में। ऑल्सो रिसेंटली एम्पायर वर्सेस फेस CDL फाइनल्स की हाईएस्ट वॉचिंग गई थी 3,31,000 एंड ये हाईएस्ट वॉचिंग है कॉल ऑफ ड्यूटी ईस्पोर्ट्स मैच की, जिसको रिट्वीट करते हुए थग ने ये कहा यूट्यूब गेमिंग ट्विच को लॉन्ग रन में ओवरटेक करने जैसा बिल्डअप हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल इन मॉर्टल की हाईएस्ट वॉचिंग जाना, बट ऑडियंस का मानना है कि यूट्यूब गेमिंग इसलिए ग्रोथ पर है क्योंकि एक ही गेम खेला जाता है PUBG मोबाइल। तो इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं नोवा गॉडल के बारे में। तो नोवा गॉडल की जर्सी का लुक आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। ऑल्सो गेमिंग विद AB ने अनाउंस किया कि वो न्यू टीम अनाउंसमेंट जल्दी करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं BTR के बारे में। तो रिसेंटली BTR के इंटरव्यू सेशन में उन्होंने काफी सारे सवालों के जवाब दिए रिगार्डिंग दियर जर्नी, जिसमें से एक सवाल था कि वो प्रैक्टिस कैसे और कितनी करते हैं, एंड उन्होंने बताया कि टॉप टीम्स को डिफीट करने के लिए वो कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, बस माइंडसेट को स्ट्रांग बनाते हैं किसी भी सिचुएशन से टैकल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मॉर्टल ने कंप्लीट कर लिए 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर एंड ऑन स्ट्रीम सेलिब्रेट भी किया। ऑल्सो उन्होंने बूम अनाउंसमेंट कर दी एंड ये कहा कि अपना सेकंड चैनल ओपन करने वाले हैं एंड ये कोई गेमिंग कैरेक्टर नेम से नहीं होगा बट नमन माथुर नाम से होगा, जिसपे यूनिक कंटेंट आएगा। तो ये थी वो बूम अनाउंसमेंट जिसके बारे में हाइप क्रिएट हुई थी। ऑल्सो एक शॉर्ट टीजर अपलोड किया। वेल लेट्स सी हमें ये अनाउंसमेंट एक्शन में कब देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो उनके सीरीज मन की बात पर, जिसमें उन्होंने काफी चीजों के बारे में बात करी थी, जैसे गेमिंग को इंडिया में ग्रो करना और भी काफी कुछ, एंड इस स्ट्रीम पर उनको लाइक से ज्यादा डबल रेशियो में डिसलाइक मिले हैं। अब इसके रीजन तो काफी है, लाइक मोदी जी ने नॉर्मल गेम्स बनाने की बात करी है बट ईस्पोर्ट्स की नहीं। बट एक कॉमन रीजन जो है वो ये है कि सितंबर में होने वाले JEE नीट के एग्जाम, जिसपे बहुत हैशटैग और अपील होने के बाद भी गवर्नमेंट उन एग्जाम्स को कैंसिल नहीं कर रही है। तो आपको JEE नीट एग्जाम के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल्सो क्या इस हैशटैग को आगे बढ़ाने का फायदा होगा या नहीं, बिकॉज एग्जाम्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने सभी गेमर्स दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।